सभी को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सर जी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से NCERT की कक्षा छठी की हिंदी पुस्तक वसंत के पहले पाठ हम पंक्षी उन्मुक्त गगन के इसके बारे में पढ़ेंगे। पाठ पढ़ने से पहले आप लोगों से अनुरोध है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं अथवा अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की इस वीडियो को, जिसमें हम पढ़ेंगे हम पंक्षी उन्मुक्त गगन के। सबसे पहले इस पाठ के कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी के बारे में जानेंगे। इनका जन्म 5 अगस्त 1915 में हुआ था। इनकी मृत्यु 27 नवंबर 2002 में हुई थी। इनका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के झंगेरपुर में हुआ था। कुछ इनकी प्रमुख कृतियां हैं हिल्लोल, मिट्टी की बर्तन, वाणी की व्यथा, प्रलय सजन इत्यादि। आइए पाठ को शुरू करते हैं। पाठ का नाम है हम पंक्षी उन्मुक्त गगन के। हम पंक्षी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुंगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। आइए हर कविता के प्रत्येक पदों के अर्थ और उसके भावार्थ को समझें। हम पंक्षी उन्मुक्त गगन के, यहाँ कवि पंक्षियों के माध्यम से पंक्षियों के भावों को प्रकट करते हुए कहते हैं कि हम पंक्षी उन्मुक्त गगन के, हम जो पक्षी हैं उन्मुक्त अर्थात खुले हुए आसमान में विचरण करने वाले हैं। पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, अगर हमको पिंजड़े में बांध दिया जाएगा तो हम गा नहीं पाएंगे अर्थात स्वतंत्र रूप से रह नहीं पाएंगे, ठीक है। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, पुलकित अर्थात जो हमारे कोमल कोमल पंख हैं वो टूट जाएंगे। कैसे? कनक तीलियों से टकराकर, चाहे कितना भी महंगा पिंजड़ा क्यों ना हो, चाहे वो सोने का ही पिंजड़ा क्यों ना हो, अगर हमको पिंजड़ों में बांध दिया जाएगा तो उससे पिंजड़े से टकरा करके हमारे जो पुलकित कोमल पंख हैं वो टूट जाएंगे। इन पंक्तियों में कवि चिड़ियों के माध्यम से, पक्षियों के माध्यम से कहना चाहता है कि जो पक्षी हैं उनको बंदी बनाकर नहीं रखना चाहिए, बल्कि हमें उनको आज़ाद घूमने देना चाहिए, क्योंकि अगर हम उनको पिंजड़े में बांध करके रख लेंगे तो अपनी उड़ान भूल जाएंगे अर्थात जो उनकी स्वतंत्रता है वो उसे भूल जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, पक्षी क्या कह रहे हैं कि हम स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाले हैं अर्थात नदी में बहते हुए जल को पीने वाले हैं, लेकिन अगर हमको पिंजड़े में बांध करके रखा जाएगा तो हम भूखे और प्यासे मर जाएंगे। जब पक्षी स्वतंत्र होता है तो जब भी उसको भूख लगती है, जब भी उसे प्यास लगती है तो
स्वतंत्र रूप से अगर उसे प्यास लगी तो नदी में जा कर के जल पी लेता है, और अगर उसे भूख लगी तो खेतों में जा कर के अनाज के दाने चुन लेता है। लेकिन अगर वह पिंजड़े में बंधा होगा तो जब भी उसको दिया जाएगा खाने को पीने को तभी वो खा पाएगा। अगर उसको भूख लगती है प्यास लगती है और उसे अगर समय से नहीं दिया जाएगा खाना तो पक्षी क्या कह रहे हैं, हम मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। पक्षी कह रहे हैं, चिड़िया कह रही हैं कि हमें चाहे सोने के कटोरी में मैदा के दाने ही क्यों ना खिलाओ, वो हमारे लिए अच्छी नहीं है। अगर हम स्वतंत्र रहेंगे तो जंगल की कटुक निबोरी अर्थात नीम की जो कड़वी निबोरी होती है वो भी हमारे लिए बहुत अच्छी है। अर्थात अगर हम पिंजरे में बंद रहेंगे तो चाहे हमें कितनी भी सुख सुविधाएं क्यों ना दी जाएं, हम उस पिंजरे में मर जाएंगे। लेकिन हम अगर स्वतंत्र हैं तो चाहे हमें जंगल में कितनी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़े, चाहे हमें नीम की निबोरी खा करके जीना पड़े, वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। आइए आगे की पंक्तियों को देखें। आगे की पंक्तियों में पक्षी कह रहे हैं कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। कभी पक्षी कह रहे हैं कि हमें सोने की श्रृंखला में या सोने की जंजीर में हमको बांध लिया गया है, जिससे अपनी गति उड़ान सब भूले। हम अपनी गति और उड़ान सब कुछ भूल चुके हैं, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। चिड़िया पक्षी कह रहे हैं कि बस सिर्फ सपना देख रहे हैं क्या, तरु की फुनगी अर्थात पेड़ की ऊंची ऊंची डालियों पर अपने पंखों से झूले झूलने का सिर्फ सपना देख रहे हैं। अर्थात हम पिंजड़े में बंद होने के कारण अपनी उड़ान और अपनी स्वतंत्रता सब कुछ भूल चुके हैं, बस सिर्फ सपने देख रहे हैं पेड़ की ऊंची ऊंची डालियों पर अपने पंख से हम झूले झूल रहे हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुंगते तारक अनार के दाने। कवि कह रहे हैं कि हमारे मन में बहुत प्रकार के अरमान थे। कैसे कैसे अरमान थे, नीले नभ की सीमा पाने, जो विस्तृत नीला आकाश है, बहुत विशाल जो नीला आकाश है उसकी सीमा तक पहुंचने का हमारे अरमान थे। अर्थात आसमान की जो अंतिम छोर है वहां तक पहुंचने के हमारे अरमान थे। और क्या क्या अरमान थे, लाल किरण सी चोंच खोल, जो हमारी चोंच है उस चोंच चुंगते तारक अनार के दाने, तारक अर्थात तारों के समान अनार के दानों को चुंगते। पक्षी कह रहे हैं कि हमारे मन में बहुत प्रकार के अरमान थे। अगर हम स्वतंत्र होते तो आसमान की सीमा तक पहुंचने का प्रयास करते और अपने लाल चोंच को खोल करके जो तारों के समान अनार के दाने हैं उनको चुंगते। आइए आगे की कुछ पंक्तियों को देखें। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। पक्षी इन पंक्तियों के माध्यम से कह रहे हैं कि हम आसमान क्षितिज अर्थात आसमान से सीमाहीन अर्थात उसकी सीमा तक पहुंचने का प्रयास करते, आसमान को सीमाहीन कर देते। अर्थात उस जितना विशाल आसमान है हम उसके अंतिम छोर तक पहुंच जाते, इस प्रकार उसकी सीमा समाप्त हो जाती। इन पंखों की होड़ा होड़ी, अपने पंखों से आसमान की छोर तक पहुंचने की होड़ लगाते। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, क्षितिज अर्थात आसमान, या तो आसमान के अंतिम छोर तक हम पहुंच जाते या तनती सांसों की डोरी, या तो फिर हम मर जाते। सांसों की डोरी अर्थात हमारी अंतिम सांस समाप्त हो जाती। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि उनके क्या अरमान थे पक्षियों के, कि हम आसमान के अंतिम छोर तक पहुंचते। अपने अरमानों को पूरा करने के लिए या तो
हमें अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ती या तो हम अपने अरमानों को पूरा करते, दो में से एक काम जरूर कर लेते। नींद न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। पक्षी अपने भाव को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि चाहे हमें किसी भी प्रकार का सहारा ना दो, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, अर्थात हमारे रहने का जो आश्रय है, हमारे जो घोंसले हैं, हमारे जो घर हैं, चाहे उनको तोड़ फोड़ करके फेंक दो, लेकिन पंख दिए हैं तो, लेकिन अगर ईश्वर ने, भगवान ने हमें पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, हमारे उड़ान में किसी भी प्रकार की विघ्न ना डालो। अर्थात बड़े ही व्याकुल स्वर से पक्षी कह रहे हैं कि हमें भगवान ने उड़ने के लिए पंख दिए हैं, तो हमारे इन पंखों को हमें कैद करके मत काटो, अर्थात हमें स्वतंत्र रूप से रहने दो, चाहे हमें किसी भी प्रकार का सहारा ना दो, चाहे हमारे पिंजड़े को, हमारे घरों को, हमारे घोंसलों को तोड़ करके फेंक दो, लेकिन हमें स्वतंत्र रूप से रहने दो। आइए इस कविता के कुछ कठिन शब्दों को देखते हैं। उन्मुक्त खुला, कनक तीलियां सोने की सलाखें, पुलकित खुशी से फड़फड़ाते, निबोरी नीम का फल, तरु पेड़, स्वर्ण श्रृंखला सोने की कड़ियां, फुनगी सबसे ऊंची टहनी का ऊपरी भाग, तारक तारों के समान, तनती सांसों की डोरी, प्राण निकल जाना, विघ्न रुकावट। आइए इस कविता के सार को भी देखते हैं। यह कविता शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा लिखी गई है। इस कविता में कवि पक्षियों की आज़ादी की बात कर रहे हैं। पक्षी अपनी वाणी के माध्यम से वो अपने भाव को प्रकट करते हैं। पक्षियों को हमें बंदी नहीं बनाना चाहिए, उन्हें आज़ादी से घूमने देना चाहिए। अगर हम उन्हें पिंजरे में बंद कर देंगे तो वो अपना स्वाभाविक खो देंगे, चहकना भूल जाएंगे, उड़ना भूल जाएंगे। पिंजरे में बंद होने से अच्छा हम बाहर के कड़वे पत्ते और खाना पसंद करते हैं। पक्षियों की इच्छा खुले आसमान में उड़ने की है। नदी झरनों का बहता पानी पीना चाहते हैं, वह आकाश को छूना चाहते हैं, अपनी इच्छा से ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं, पेड़ों पर घोंसले बनाकर रहना चाहते हैं, नदी झरनों का पानी पीना चाहते हैं, फल फूल खाना चाहते हैं। पक्षियों की पंखों की आज़ादी को कैद करना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार हमने शिव मंगल सुमन जी के द्वारा लिखी हुई कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन को पढ़ा। आशा करता हूँ आपको ये कविता अच्छी लगी होगी, समझ में ज़रूर आई होगी। आप इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें। देखते रहिए स्टडी सर जी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।